मॉर्निंग. आई एम संजय चटर्जी. मैं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तुमलापल्ली यूनिट में पोस्टेड हूँ. मैं वहाँ पे एज ए चीफ मैनेजर एडमिन हूँ. एक्चुअली मेरा जो ये स्टोन का पर्टिकुलरली मैं अपने स्टोन के डिजीज के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए टीम सवेरा में लास्टली आया. ये मेरा शुरू हुआ बहुत पहले किडनी स्टोन का, तो इसके पहले मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी दिखाया. तो होते होते एक्चुअली लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में मेरे को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ये बताया गया कि मेरा जो स्टोन जो साइज है वो ओनली पीसीएनएल मेथड से ही रिमूव होगा. कि एक बार जब मेरा रेफर हॉस्पिटल ही मैंने खुद किया जब इस चीज को, तो मैं ही एक बार जाकर के ट्राई करता हूँ. तो मैंने किंग्स एवेरा में आकर के यहाँ के जो सबसे सीनियर मोस्ट जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सर, मैं उन्हीं के कंसल्टेंसी में मैं फर्स्ट गया. फर्स्ट डे उन्होंने मेरा ये सीटी स्कैन देखने के बाद इमीडिएटली उन्होंने सजेस्ट किया देयर इज नो वन ड्रॉप ऑफ वाटर ब्लड, मैं आपको लेजर के इसमें निकाल दूंगा. ये सुनने के बाद मेरे को बहुत खुशी हुआ. प्रोसीजर उन्होंने मेरे को समझाया, समझाने के बाद फिर उन्होंने बताया कि प्रोसीजर का नाम जो है वो RIRS है. तो सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इस एज में किसी आदमी को, वो भी जो डायबिटिक है और ये एज हाई है, उसमें कट माने किडनी टच नहीं होगा कटिंग करने के लिए, इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं मिल सकता. अब मेरा थोड़ा किडनी का स्टोन भी थोड़ा साइज बड़ा था, 17 mm बड़ा था, और जो कुछ भी मैंने किया वो दिन पर दिन साइज बड़ा होता ही जा रहा था. तो मेरे को चिंता भी था बहुत ज्यादा. मैंने पाया कि ये RIRS जो है वो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट किडनी स्टोन रिमूवल का टेक्निक है, जिसमें कि किडनी का ऑपरेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, थ्रू लेजर से हो जाएगा. करने के बाद उन्होंने मेरे को वार्ड में शिफ्ट भी किया. वार्ड में यहाँ के सिस्टर्स ने जिस तरीके से मेरे को टेक केयर किया, हाफ ऑफ एन आवर में मेरा रिकवरी इतना फास्ट हुआ, मैं सच बता रहा हूं, आज मेरे को लग रहा है कि आई एम इन ए राइट प्लेस. मेरा राइट सिलेक्शन था, एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और हर चीज में यहाँ पे खाने में भी बहुत अच्छा खाना दिया गया रेगुलरली, क्योंकि मैं थोड़ा खाने में चूजी भी हूँ. मैंने खाने में जैसे कुछ मैंने बताया ये पसंद नहीं है, तो मेरे पसंद को भी इन्होंने ख्याल में रखा. तो अल्टीमेटली मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, मैं अगर मेरे को कोई बोलेगा इस हॉस्पिटल के लिए मेरे प्रोसीजर में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, अगर आउट ऑफ 100 कोई बोले कि कितना मार्क्स देना है, तो मैं इस हॉस्पिटल को आउट ऑफ 100 99 देता हूं. नमस्कार.